नमस्ते दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस नवे और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि इंडिया की सबसे फेमस कंपनी जो कि टाटा ग्रुप से, उसके बारे में आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाला हूँ। तो विदाउट टाइम वेस्ट के हम अपना आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले टाटा ग्रुप्स की। तो दोस्तों, इसकी शुरुआत हुई थी 1868 में और इसको फाउंड किया था जमशेद जी टाटा ने। दोस्तों, इसके प्रोडक्ट लगभग 150 प्लस कंट्री में एक्सपोर्ट होते हैं। लगभग 6 कॉन्टिनेंट में टाटा के प्रोडक्ट्स बिकते हैं। दोस्तों, इसके इस समय करंट चेयरमैन हैं नाथारंजन चंद्र शेखरम। दोस्तों, अब हम फैक्ट्स की बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले फैक्ट की बात करें तो फाउंडर ऑफ टाटा ग्रुप मतलब कि जमशेद जी टाटा को फादर ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट कहा गया है। दोस्तों, सेकेंड फैक्ट की बात करें तो 2018 के ये स्टैट्स के हिसाब से टाटा ग्रुप्स ने लगभग 4% इंडियन जीडीपी में कंट्रीब्यूट किया है और दोस्तों लगभग 2.24% ऑफ द इंडियन टैक्स भी इन्होंने भरा है। दोस्तों, थर्ड फैक्ट की बात करें तो 1952 में टाटा ने एक ब्रांड चालू किया था लैक्मे, जो कि कॉस्मेटिक ब्रांड था। दोस्तों, ये जो ब्रांड है इसकी रिक्वेस्ट की गई थी टाटा ग्रुप को फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर। उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने इसकी रिक्वेस्ट करी थी कि ये ब्रांड को आप प्लीज़ स्टार्ट करें। दोस्तों, फोर्थ फैक्ट की बात करें तो क्या आपको पता है कि टाटा एम्प्लॉयज़ को बहुत सारे ऑफर्स भी दिए जाते हैं लोन के लिए और वो खुद इस कंपनी का डिबेंचर्स भी खरीद सकते हैं। दोस्तों, फिफ्थ फैक्ट की बात करें तो 25 ईयर्स में टाटा ने अपने इन्वेस्टर को बहुत ज़्यादा वेल्थ दिए। दोस्तों, अगर हम दूसरी कंपनी से कंपेयर करें तो जैसे कि बड़े बड़े कंपनीज है रिलायंस, बिरला ग्रुप्स, बर्कशायर हैथवे, जीई, इनसे भी ज़्यादा वेल्थ दी है अपने शेयर होल्डर्स को। दोस्तों, सिक्स फैक्ट की बात करें तो टाटा मोटर्स ने इंडिया की सबसे पहली स्पोर्ट्स कार बनाई थी जिसका नाम था रेसमो। दोस्तों, इस कार में लगभग 190 पीएस इंजन लगा हुआ था जो कि 0 to 100 किलोमीटर पर आर की स्पीड खाली 6 सेकंड में कर सकती है स्टार्ट। दोस्तों, सेवन फैक्ट की बात करें तो क्या आपको पता है कि टाटा मोटर्स इंडियन आर्मी के बहुत सारे आर्मर ट्रक को भी डिज़ाइन करती है और बनाती भी है। दोस्तों, एट फैक्ट की बात करें तो टाटा ग्रुप को लगभग 150 से ज़्यादा साल हो गए बिजनेस करते करते, लेकिन आज तक इन्होंने लिक्विड का बिजनेस स्टार्ट ही नहीं किया ना कुछ सपोर्ट किया और दोस्तों आज तक इन्होंने एक भी बॉलीवुड मूवी को स्पॉन्सर नहीं किया है। दोस्तों, नाइन फैक्ट की बात करें तो टाटा ग्रुप्स का लगभग 66% प्रॉफिट टाटा ट्रस्ट में जाता है जो कि फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के लिए वो लोग ये काम करते हैं। और दोस्तों, सर रतन टाटा भी 1% से कम प्रॉफिट लेते हैं और जितना भी उनको एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलता है वो सब पूरा टाटा ट्रस्ट में डोनेट कर देते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के आखिरी फैक्ट मतलब कि 10th फैक्ट की बात करें तो क्या आपको पता है कि टाटा ग्रुप्स ने लगभग 98 कंपनीज को एक्वायर किया है पूरे वर्ल्ड में और दोस्तों इनके 29 पब्लिक कंपनीज स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। तो दोस्तों, यही था वो छोटा सा वीडियो जिसमें आप सभी को मैं इन्फॉर्मेशन पहुँचाना चाहता था टाटा ग्रुप्स के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, प्लीज़ सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप शेयरिंग, कीप सपोर्टिंग।